तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम ऑफलाइन किसी सॉफ्टवेयर की मदद से मल्टीपल अलग अलग पीडीएफ फाइल को एक साथ जोड़े कैसे, या फिर उनको अलग अलग कैसे करें। यानी कि दो फंक्शन मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, और वो भी एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना मैं आपको बताऊंगा आपके कंप्यूटर में, और डाउनलोड करना और इंस्टॉल कैसे करना है। और उसके बाद पीडीएफ, अगर आपके पास मल्टीपल अलग अलग फाइलें हैं तो उसको आप एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं, और अगर एक ही फाइल है उसको आपको डिवाइड करना है तो मतलब स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करके गूगल में आपको ये सर्च करना है, फ्री सॉफ्टवेयर टू मर्ज एंड स्प्लिट पीडीएफ फाइल। इसके बाद आप यह देख सकते हैं pdfsam.org, ये वेबसाइट आपके पास आएगी। अगर नहीं आती तो आप, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस लिंक को ओपन करना है। देखिए, लिंक ओपन करने के बाद इस टैब से आपको लिंक ओपन होगी, और यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर विंडोज़ डाउनलोडर डॉट ई एक्स ई, इस पर क्लिक करना है। देखिए, विंडोज़ डाउनलोडर डॉट ई एक्स ई पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। इस टैब से यहाँ पर ये डाउनलोड होने लगेगा, और पीडीएफ सेम बेसिक 7 इंस्टॉलर डॉट ई एक्स ई डॉट ई एक्स ई फाइल जो कि विंडोज़ में सपोर्ट करती है, वो आपके पास ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ से आप इसको ओपन फाइल पे क्लिक करें, फिर यस पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर फिर आपसे एक लैंग्वेज वगैरह पूछेगा ऑप्शन, और यहाँ पूछ रहा है इंस्टॉल पीडीएफ सेम एनहेस्ड, तो इसको आप अनचेक कर दीजिए, हमें दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, और ये अब यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल होने लगेगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पे आपको इसका एक आइकॉन मिलेगा जिसमें नाम लिखा होगा पीडीएफ सेम बेसिक। तो इस आइकॉन को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ सेम जो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो चुका है। इसके अंदर सबसे पहला फंक्शन मर्ज पीडीएफ दिया हुआ है, फिर स्प्लिट भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अल्टरनेट मिक्स, एक्सट्रैक्ट, स्प्लिट बाय बुकमार्क्स, स्प्लिट बाय साइज़। तो अभी हम इस मर्ज और स्प्लिट फंक्शन इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मर्ज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसा कि देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मैंने दो फाइल रखी है, पीडीएफ फाइल 1 और पीडीएफ फाइल 2। तो इनको कैसे मर्ज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं साइड में यहाँ लगा देता हूँ, और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप पीडीएफ फाइल्स हियर। तो ये दोनों फाइल मैं ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो देख सकते हैं दोनों फाइल हमारी आ चुकी है, पीडीएफ फाइल 1 और पीडीएफ फाइल 2। फिर इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेस्टिनेशन फाइल आपको कहाँ पर बनाना है वो आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे अभी ये डेस्कटॉप पर इस नाम से बनेगी, पीडीएफ सेम मर्ज डॉट पीडीएफ, तो अभी हम यही नाम रहने देते हैं इसका, और इसको हम रन पे क्लिक करेंगे बस। ये देखिए, इतनी जल्दी इसने दोनों फाइल को मर्ज कर दिया है। अब अगर हम इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पर देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, पीडीएफ सेम मर्ज करके ये फाइल बन चुकी है। इसको ओपन करके बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए पीडीएफ फाइल 2 और ये 1, दोनों मर्ज हो चुकी है। तो इनको हम चाहें तो इनका ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसा ऑर्डर यहाँ पर रहेगा। ये देखिए, इसके आप ऑर्डर सीक्वेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसको मर्ज करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, स्प्लिट। तो स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हमको सेलेक्ट पीडीएफ फाइल करना होगी। तो वही वाली फ़ाइल जो हमने मर्ज की है उसे हम सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों फाइल को डिलीट कर देते हैं जो अलग अलग पीडीएफ फाइल 1 2 है। और अब हम हमारी मर्ज वाली फ़ाइल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर स्प्लिट आफ्टर, कब आपको स्प्लिट करना है, तो एवरी पेज, हर पेज पे हमको स्प्लिट करना है। वो इसको हम रन करेंगे अभी। तो ये बता रहा है सेलेक्टेड डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन केस ऑफ फाइल्स विद द सेम नेम। तो सेम नेम से है तो उसको हम रीनेम कर देंगे। अब देखते हैं इसको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर जाके, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये अलग अलग फाइल हो चुकी है, 1 1 अंडर स्कोर पी डी एफ सेम
और ये टू अंडरस्कोर पीडीएफ सेम। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो देखिए इसमें एक में पीडीएफ फाइल टू आ चुकी है और दूसरे में पीडीएफ फाइल वन आ चुकी है इस टाइप से। तो इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप बिल्कुल सिक्योरली, इसमें कोई आपका डेटा ऑनलाइन नहीं जाएगा, कोई भी आपका डेटा सेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा। तो भी विदाउट इंटरनेट भी आप पीडीएफ फाइल को मर्ज और स्प्लिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे इस चैनल और वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।